भाई बिग बॉस 11 में था एक मास्टरमाइंड, लेकिन बिग बॉस 12 में हर कोई मास्टरमाइंड बनना चाहता है। अब कल कुछ दिनों पहले तक रोमिल मास्टरमाइंड था, दीपक मास्टरमाइंड था, श्रीशंत मास्टरमाइंड, श्रीशंत द रियल मास्टरमाइंड, और कल रात के एपिसोड में आपने देखा दीपिका मास्टरमाइंड बन रही थी, केवी मास्टरमाइंड बन रहे थे। यहाँ मास्टरमाइंड कोई नहीं है, यहाँ मास्टरमाइंड अगर कोई है तो वो है इकलौता बिग बॉस। बिग बॉस का एक मूव और सारी प्लानिंग, सबकी इच्छाएं एकदम क्लीन बोल्ड हो जाती है। क्लीन बोल्ड से याद आया श्रीशंत, श्रीशंत जो कि अपने टाइम के जबरदस्त बॉलर रहे थे। हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी उन्हीं से एपिसोड शुरू हुआ, उन्हीं पर एपिसोड खत्म हुआ। एपिसोड के एंड में हमने देखा कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, ये बर्थडे श्रीशंत का 6 फरवरी है जो कि गूगल पर लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने आज मनाया। वो कह रहे हैं कि भाई आज मेरा बर्थडे था, अब मुझे बाकी दुनिया का तो पता नहीं। भैया मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं आपको, मेरे पैन कार्ड पर, मार्कशीट पर, हर जगह मेरा बर्थडे क्या है, 7 जून, लेकिन मेरा एक्चुअल बर्थ डेट जो है वो है 10 अगस्त। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स सबके साथ होती है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बर्थडे कुछ और प्रिंट हुआ है, एक्चुअल में कुछ और होता है। मुझे आज भी तमाम बैंकों से, तमाम जगह से ईमेल या बर्थडे के मैसेज आते हैं 7 जून को, और 10 अगस्त जो कि मेरा एक्चुअल में बर्थडे है, उस दिन बहुत कम लोग मुझे विश करते हैं। अब इस चीज का भी कई लोग इश्यू बना रहे हैं कि श्रीशंत ने फुटेज के लिए बर्थडे मनाया है, किसके लिए मनाया। मैं इस चीज को सिरे से खारिज कर दूंगा, क्योंकि मुझे खुद को साल में 2 बार बर्थडे मनाने का मौका मिलता है। अब ये जो एपिसोड है ना, इसका टाइटल मैंने, आपने देख लिया होगा थंबनेल में लिखा है कि 50 दिन के बाद एक्टिंग दिखाई देगी। 50 दिनों तक एक्टिंग की है दीपिका कक्कर ने और केवी ने, अब एक्टिंग उनसे हो नहीं रही है तो अब उनका असली चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं पिछले काफी दिनों से कह रहा था कि दीपिका को किसी का कंधा चाहिए रहता है बंदूक रखकर चलाने के लिए। अब तक उनके पास श्रीशंत का कंधा था, अब उनके पास केवी का कंधा आ चुका है। इस एपिसोड में जो हुआ वो तो हम सबने देखा, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं 1 वीक पहले। हिना खान आई थी, हिना की अदालत लगी थी। हिना खान ने केवी और दीपिका के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था कि आप लोग श्रीशंत के पीछे खड़े हो, श्रीशंत की शेडो में छुपकर आप खेलते हो, एंटरटेनमेंट के मामले में आप लोग बिल्कुल जीरो हो, एकदम लुल। वो चीज और उसके पहले विकास गुप्ता जिस तरह से आकर दीपिका को और केवी को बता के गए थे कि आप खुद अपना खेल खेलो, भाई बहन का रिश्ता, दोस्त यार का रिश्ता वो अपनी जगह, लेकिन अपना खुद का खेल खेलो। तो ये जो बाहर से मैसेजेस आए हैं, ये कहीं ना कहीं इन मैसेजेस ने सबसे ज्यादा असर किसी को पड़ा डाला था, वो है दीपिका और केवी। एक एपिसोड पहले ही यही दीपिका थी जो कि हैप्पी क्लब की सुरभि को जब नॉमिनेट कर रही थी, आप लोग हमें कुछ भी बोल देते हो, आप ये करते हो, आप लोग घटिया लेवल के पे जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। एक दिन पहले तक हैप्पी क्लब के मेंबर्स के लोगों के प्रति इस तरह की बात करने वाली दीपिका, सडनली हैप्पी क्लब के मेंबर्स से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पाई गई कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप लोगों का ट्रस्ट। और साथ ही साथ उन्होंने केवी से ये भी कहा कि मैंने आज हैप्पी क्लब के लोगों का ट्रस्ट हासिल कर लिया है। माफी चाहूंगा दीपिका जी, हैप्पी क्लब का ट्रस्ट आपने जरूर हासिल कर लिया होगा, लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट आपने गंवा दिया है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी ये, जब श्रीशंत ने हैप्पी क्लब के लोगों को नॉमिनेट कर दिया, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था पूरे वुल्फ पैक के लिए, यानी कि श्रीशंत, शिव, केवी, दीपिका, सृष्टि, रोहित, इन सबके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि ये लोग साथ में खेले, एकजुट हो जाए। और यस, मैं कैसे भूल सकता हूँ मेघा धाड़े भी इनके साथ हैं, तो ये सब लोग एक साथ रहते। केवी और दीपिका अगर अपना ईगो थोड़ा साइड में कर देते और ये सब लोग साथ में रहते तो इस टास्क के दौरान काफी अच्छा परफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन केवी और दीपिका के अपने अपने नए ख्वाब आ गए कि हम कप्तान बनेंगे, तो केवी और दीपिका अपने वुल्फ पैक से अलग जाकर सामने वाली टीम में जुड़ गए। गाइज, यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जिस तरह से सुरभि, सोमी, दीपक, श्रीशंत के ऊपर दुनिया भर की बातें सुना रहे थे, पर्सनल लेवल पर जाकर टिप्पणी कर रहे थे, जसलीन को खूब सुनाया, मेघा धाड़े को खूब सुनाया, इस दौरान आपने देखा कि केवी और दीपिका हंस रहे थे। केवी और दीपिका ने बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लिया, बिल्कुल भी रत्ती बराबर का स्टैंड नहीं लिया। यही केवी, यही दीपिका हमेशा श्रीशंत को भाई दोस्त कहते थे। आपको इससे बड़ा सबूत नहीं मिलेगा कि ये लोग अब तक सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, हद दर्जे की बदतमीजियां की हैं, और उस बदतमीजी को केवी ने एंटरटेनमेंट का नाम दिया है। जी हाँ, कल एक प्रोमो आया था जहां पर कि केवी और दीपिका कप्तानी की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि हमें हैप्पी क्लब का सपोर्ट और ट्रस्ट मिल गया है, हम अब आगे जाएंगे, जहां पर कि दीपिका ये कह रही है कि ये आउटबर्स्ट इन लोगों का एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नॉमिनेशन में जाने से ये लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो केवी उन्हें जवाब देते हैं कि ये आउटबर्स्ट जो भी था एंटरटेनिंग था। तो अगर किसी के कैरेक्टर के ऊपर जाना, किसी को इडियट कहना, किसी को भगोड़ा कहना, किसी के पर्सनल लेवल पर जाना, दुनिया भर की गालियां वगैरह सब देना,
अगर ये केवी को एंटरटेनमेंट लगता है तो केवी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही सोमी यही सुरभि जब आपको बोलती हैं लूजर इडियट, तब आपके गुर्दे बहुत ज्यादा छिलते हैं। सडनली आपको एंटरटेनमेंट दिखाई देने लगा है उनके स्टेटमेंट में, तो कहीं ना कहीं ये आपका शायद असली चेहरा है। इस बात को मैं कुछ और नहीं बल्कि सुरभि वायरस का असर बोलूंगा, क्योंकि इसी एपिसोड में और इससे पहले वाले एपिसोड में जब श्रीशांत एंड केवी की फाइट हुई थी, मैंने वो फाइट का पूरा वीडियो देखा, बार बार देखा। हुआ कुछ यूं था कि श्रीशांत ने बोला कि नाग यानी कि केवी को चांस दो। केवी जो कि केवी जिन्हें की नाग का टैग दिया है हैप्पी क्लब ने, और इन्हीं केवी के सामने दीपक ने बोला था कि केवी भैया आपके ऊपर से चच्ची का टैग हट जाता है। केवी बोलते हैं कि चच्ची का भले ही हट जाए लेकिन नाग यानी सांप यानी कि फन फैलाने वाले सांप का टैग तो मैं रखूंगा। तो अगर दीपक या हैप्पी क्लब के लोग केवी को नाग बोलते हैं तो केवी को चलता है, लेकिन श्रीशांत ने बोला कि नाग को चांस दो यानी कि केवी को। केवी ने यहाँ स्टार्ट किया था पर्सनल जाना, मैंने क्लिप अच्छे से देखी, मैं बिल्कुल यहाँ पर बायस नहीं हूँ, यहाँ पे एकदम थर्ड पार्टी की नजर से देख रहा हूँ। केवी का सबसे पहला वर्ड था मिस्टर पेंडे, मिस्टर पेंडे, जिसके जवाब में श्रीशांत ने बोला तमीज में रहे। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल ट्विटर पर श्रीशांत की वाइफ एंड केवी की वाइफ दोनों के अपने अपने ट्वीट्स आए, जहां पर कि श्रीशांत ने बोला कि केवी ने ये जो वर्ड यूज किया मिस्टर पेंडे मिस्टर पेंडे, ये मैं बुलाती हूँ श्रीशांत को घर पर, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेरे को ट्रैक किया केवी ने, यानी कि केवी श्रीशांत की वाइफ को इस झगड़े में लेके आए। जिसका जवाब श्रीशांत ने दिया कि तमीज में रहे, तो केवी ने बोला तमीज आप मुझे मत सिखाओ बदतमीज आप हो, तो श्रीशांत ने बोला था बदतमीज तेरा पूरा खानदान। तो श्रीशांत ने यहाँ पर क्या कहा था आपने सबने सुना होगा, तेरे इधर के खानदान के बारे में बात करो, इधर का खानदान वाली बात मिट्टी में दब गई, खानदान वर्ड पकड़ लिया गया, जिसके बाद इनमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए। इस एपिसोड में हमने देखा कि श्रीशांत ने कहा कि तू 7 वीक से फ्लाइट मिस कर रहा है, 7 वीक से कप्तान बनने का चांस मिस कर रहा है, तो खेल के अंदर की बात थी। लेकिन केवी ने क्या बोला, तूने 10 साल मिस कर दिए, तो अब ये पर्सनल कमेंट था, ये शो के बाहर की बात थी। इसके बाद श्रीशांत ने बोला कि मैं तेरी बाहर की बात बोलूंगा तो तेरे गुर्दे छिल जाएंगे, तो अब लोग कहेंगे कि श्रीशांत तो शो के बाहर की बातें करता है। स्टार्ट किसने किया आप ये देखिए पहले, मैं यहां बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मिस्टर पेंडे बोलकर केवी ने स्टार्ट किया, श्रीशांत ने जवाब दिया। एक्शन का रिएक्शन यहां हमेशा होता है, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। 10 साल तूने लाइफ मिस की, ये भी पर्सनल कमेंट था जो कि शो के बाहर का कमेंट था, लेकिन शो में विलन है श्रीशांत, तो हमें सिर्फ उसकी बातें ही दिखाई और सुनाई देती हैं। इस एपिसोड में दीपक और श्रीशांत का भी बहुत ज्यादा पंगा हुआ, इस एपिसोड में सुरभि का श्रीशांत से फिर से पंगा हुआ, एंड रोमिल ने भी एक हवा में उड़ता तीर लेने की कोशिश की श्रीशांत के नाम से, दरवाजा खोलो मुझे जाने दो, श्रीशांत ने भाव नहीं दिया तो रोमिल का कहीं ना कहीं वहां पोपट हो गया। दीपक के बारे में एक बात करना चाहूंगा, वो टास्क के दौरान पूरी जीजा लगा देता है, नो डाउट अबाउट इट, टास्क के दौरान बहुत कुछ भद्दी भद्दी घटिया घटिया बातें भी करता है, लेकिन इस एपिसोड में उसका एक अलग रूप देखने को हमें मिला जो कि हमें एपिसोड में नहीं दिखाया गया। श्रीशांत का जो बर्थडे का जो आटे का जो केक बनाया था वो लेके आई थी दीपिका, श्रीशांत ने पहला बाइट दिया था शिवाशीष को, दीपिका के ऊपर कैमरा गया था, हमें बहुत ऐसा लगा था कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगा। अब यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा कलर्स की एडिटिंग टीम की, सबको लग रहा है कि दीपिका ने केक बनाया। ट्विटर पर एक ट्वीट का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, ये निरंजन ने ट्वीट किया है, वो वूट से पूरा क्लिप निकालकर इसका कुछ हिस्सा मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज डीएसके डॉक्स पर भी डाला हुआ है। कई ऐसे क्लिप्स हैं जो शायद आपको सच दिखाएंगे। यहां पर दीपक सृष्टि शिवाशीष बात कर रहे हैं मेघा से, मेघा को कन्विंस कर रहे हैं कि उनका बर्थडे है, आधी रात के टाइम हम केक बनाएंगे, दीपिका और श्रीशांत का कुछ लफड़ा है जिसकी वजह से श्रीशांत दीपिका के हाथ का बना खाना नहीं खा रहे हैं। दीपक जो कि श्रीशांत से पूरे एपिसोड में हमने देखा लड़ता हुआ पाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुरभि वायरस के असर में ऐसी घटिया पंक्ति कर देता है, शायद वो दिल का इतना बुरा नहीं है, वो आगे बढ़कर गया, मेघा को कन्विंस किया सृष्टि ने भी शिव ने भी, और मेघा थी जिन्होंने केक बनाया। लेकिन थैंक्स टू बिग बॉस की एडिटिंग टीम, केक लेके आई दीपिका, पूरा क्रेडिट ले गई दीपिका। दीपिका को अच्छा दिखाने की बहुत जबरदस्त कोशिश की जा रही है टीम के द्वारा, लेकिन दीपिका की हरकतें दीपिका के तेवर साफ साफ दिखा रहे हैं कि वो इतनी भी भोली इतनी भी अच्छी नहीं है। उस पूरे क्लिप का तकरीबन 2 मिनट की क्लिप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप देखिएगा जरूर, आपको खुद को पता चल जाएगा कि केक बनाया किसने और क्रेडिट ले गया कोई और। इस एपिसोड में एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट था, जबरदस्त वाला मोमेंट था, अंदर वो जो एक टेम्परेरी मेकशिफ्ट जो बंगलो बनाया हुआ था, दीपक दीपिका रोमिल सुरभि ये सब प्लानिंग कर रहे थे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। उसी टाइम पर कट टू दूसरा एंगल था वहां पर कि श्रीशांत मेघा ये सब बात कर रहे थे,
तो आप देखिए जो स्ट्रेटेजी दीपिका और रोमिल बना रहे थे श्रीशांत उससे चार कदम आगे की स्ट्रेटेजी लेके चल रहा था। वो लोग कर रहे थे कि हम कैसे भी करके मेगा को नहीं आने देंगे, वहां श्रीशांत कह रहा था मेगा जी अभी आप जाइएगा जय महाराष्ट्र। तो आई थिंक ये जो मोमेंट दिखाया बिग बॉस ने आपको ये साबित करता है कि खेल को कौन कहां से खेल रहा है। श्रीशांत टास्क में भले ही इन्वॉल्व नहीं हो एक्टिवली, लेकिन वो मेंटली पूरी तरह से टास्क में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ऐसा मुझे लगा तो है, क्योंकि जो जो प्लान रोमिल वगैरह बना रहे थे श्रीशांत उस प्लान से दो कदम आगे का सोच रहे थे। केवी का जो पॉपआउट हुआ उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, उन्होंने दीपक और सुरभि दोनों को जाने दिया, लेकिन बाद में मेगा से आर्ग्यूमेंट करते रहे, सृष्टि से आर्ग्यूमेंट करते रहे। सृष्टि जो कि मुझे लग रहा था कि शायद वो अच्छी संचालक नहीं होगी, लेकिन उसने काफी अच्छा काम किया संचालक के तौर पर। और मेगा के बारे में मैं क्या बोलूं, मेगा इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है यहाँ पर सेंसिबल लोगों में, चाहे वो यू नो चाहे वो दीपिका हो, केवी हो, श्रीशांत हो, वो अपनी बातों को उस तरह से यू सामने नहीं रख पाते जिस तरह से मेघा रखती है। मेघा ने बोलती बंद कर दी थी सुरभि की, मेघा ने बोलती बंद कर दी थी दीपक की, और यहां पर हमने देख लिया कि मेघा कितनी डिटरमिंड थी जीतने के लिए, उन्हें पता है कि कब कहां कैसे कौन सा मूव चलना है, वो भी तमीज तहजीब और मर्यादा के दायरे में। तो मेघा इस एपिसोड में मेरे हिसाब से इस एपिसोड में अगर सबसे ब्रिलियंट कोई इंसान दिखा है तो वो मेघा दिखी है। वो बदतमीजी किसी से नहीं करती है, वो टास्क में पूरी शिद्दत लगा देती है। तो गाइस इस एपिसोड में हमें कई सारी बातें देखने को मिल गई, कई सारी चीजें देखने को मिल गई, एंड कैप्टेंसी के चार कंटेंडर भी मिल गए, रोमिल, सोमी, मेगा एंड केवी। अब इनके बीच में कप्तानी की लड़ाई होगी, एंड आज के एपिसोड में घर वालों के मैसेजेस प्ले किए जाएंगे, काफी इमोशनल वाला सीन होगा। अच्छा, इमोशनल से याद आया, प्रोमो देखा जिसमें कि दीपिका के जो हस्बैंड है शोएब उनका कुछ मैसेज आता है और दीपिका सडनली खड़े खड़े गिर के रोने लगती है। ओ माई गॉड, ये देखकर मुझे पिछले सीजन में हिना खान की याद आ गई। एंड गजब इत्तेफाक देखिए, किरदार भी वैसे ही हैं और जो जिन्होंने यू नो जिनका मैसेज आया उनके नाम भी लगभग मिलते जुलते। वहां था रो रो मुझे ले चलो, बगैर आंसुओं के रोना धोना शुरू था हिना खान का। यहाँ रो तो नहीं है या हिना तो नहीं है, लेकिन यहाँ फैजा है। अब फैजा मतलब आप कहेंगे कौन, अरे दीपिका कक्कर का नाम अब फैजा हो चुका है, फैजा इब्राहिम। तो दीपिका के लिए शो यानी शोएब का मैसेज आया, तो दीपिका भी गिर के शो मुझे ले चलो, ओ माय गॉड, आंसू आए नहीं, ग्लिसरीन का स्टॉक खत्म हो गया, नया स्टॉक आएगा। तो आज का एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। आपको ओवरऑल एपिसोड कैसा लगा, आपको ये जो आपस में जो दोस्त थे कल तक, कभी सौतन कभी सहेली वाला जो सीन है केवी एंड श्रीशांत के बीच में या दीपिका एंड श्रीशांत के बीच में, इसके बारे में आपको क्या कहना है, आपने कमेंट कीजिएगा जो भी आपके ओपिनियन है इस एपिसोड के बारे में, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।